नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। गैस सिलेंडर से भड़की आग, घर गृहस्थी का सामान पूरे तरीके से जलकर हुआ खाक। बड़े मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। सिविल लाइन थाना अंतर्गत बांसघाट मोहल्ले की है घटना। एक ही कमरे में पूरा परिवार था मौजूद, कोई जनहानि नहीं हुआ। गैस सिलेंडर से भड़की आग, गृहस्थी का सामान जलकर पूरी तरीके से राख। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसघाट मोहल्ले की है घटना। बीती रात शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 बांसघाट में उस समय हड़कंप मच गया जब किराए के मकान में रह रहे कृष्ण कुमार द्विवेदी के कमरे से अचानक आग की लपट उठने लगी। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी किसी की बुझाने की हिम्मत नहीं हुई। बताया जाता है कि कृष्ण कुमार द्विवेदी ने खाना बनाने के लिए जैसे ही गैस सिलेंडर के चूल्हे में लाइटर से आग लगाई, वैसे ही गैस सिलेंडर की पाइप में आग लग गई। घर वाले जब तक कुछ समझ पाते, आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गनीमत यह रही, एक ही कमरे में पूरा परिवार मौजूद था, उसने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। पूरा परिवार घर के बाहर आ गया, लेकिन घर गृहस्थी का सामान वो पूरी तरीके से, या यूं कहें, एक भी नहीं निकाल पाए। पूरा परिवार एक कमरे में मौजूद था। बेहतर बात यही रही, कोई जनहानि नहीं हुई। इस बारे में हमने जिसके घर में आग लगी थी उनसे बात करने की कोशिश की। कृष्ण कुमार द्विवेदी ने साफ तौर से बताया, किराए के मकान में वो रह रहे थे, जैसे ही आग लगी सबसे पहले उसने अपनी बच्ची और परिवार के लोगों को बाहर किया, लेकिन इतना मौका नहीं मिला कि वह अपने घर का सामान निकाल पाए। घर में मौजूद पूरा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस आगजनी का मामला दर्ज कर आग लगने के कारण की जांच कर रही है। हमारी टीम ने मौके पर मौजूद कृष्ण कुमार से बात की, जिनकी नज़र अपने घर गृहस्थी के सामान पर थी जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हम आपको बता दें, बेहतर बात रही, पूरा परिवार जाग रहा था जब आग लगाई। उस समय सबसे खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। सबसे बेहतर बात यही रही, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, पूरा परिवार जग रहा था। जैसे ही उन्होंने खाना बनाने के लिए अपने गैस चूल्हे में लाइटर से आग लगाने की कोशिश की, कहीं से पाइपलाइन फूटी हुई थी, लीकेज था। उसी लीकेज की वजह से घर में पाइप में आग लग गई, धीरे धीरे आग फैल गई। घर वाले जब तक कुछ समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। पूरा परिवार घर के बाहर आया, लेकिन घर गृहस्थी का सामान बिल्कुल नहीं निकाल पाए। तत्काल ही आसपास के लोग इकट्ठे हुए, आग बुझाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, लेकिन सिलेंडर में आग की वजह से जब तक सिलेंडर में गैस थी तब तक वो जलती रही। हालांकि उन्होंने, मोहल्ले वालों ने आग बुझाने का पूरी तरीके से प्रयास किया, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। अंततः पूरी तरीके से घर गृहस्थी का सामान जो भी कमरे में मौजूद था जलकर खाक हो गया। सुनिए जिनके घर में आग लगी थी कृष्ण कुमार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कौन सा वार्ड कहलाता, क्या घटना? वार्ड क्रमांक 6 पास घटना। क्या, कैसे घटना? ऐसी घटी कि जैसे मैंने सिलेंडर चालू किया तो गैस चली ऊपर, मतलब वहाँ से रेगुलेटर में आग पकड़ ली। तो मैं अपने बच्चे को मतलब बाहर भगाने की कोशिश किया, बुझाने की कोशिश की, तो इतना तेज लपट थी कि मतलब मैं बुझा ही नहीं पाया। फिर हम बाहर भाग गए, सब कुछ छोड़ के पूरा सामान, जो हो गया इतना तेज आग बढ़ गई कि सबको पता है, सब दौड़ते, किसी की मदद नहीं पड़ रही थी, इतना तेज आग, सब जल रहा था अंदर पूरा सामान। एक कमरा था हमारा, किराए का मकान है, लगभग जितना था सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। जी जी, इससे बाहर खींचा गया, फिर भैया बाहर फेंक के सिलेंडर को। नुकसान तो अब हो गया, गृहस्थी का सब सामान था, लगा गैस चूल्हा सिलेंडर सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। आप सामने है जो कुछ देख सकते हैं आप लोग। नहीं, जनहान नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। कान में हल्का सा लपट लगी है। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।
और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।